जय श्री राम। जब अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं। रैली निकालने में भी हाईकोर्ट जाना पड़ता है। ये स्थिति आ चुकी हिंदुओं की कि आपको रामनवमी में रैली निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। देखिए, इनका पर्व आया था, कौन सा पर्व था, रमज़ान। उसमें किसी भी तरह की हमने कोई आपत्ति नहीं जताई। हमने कहा कि भाईचारा है, रमज़ान मनाए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब रामनवमी की बात आई तो बंगाल में और हैदराबाद में क्या हुआ, आप सबको पता ही होगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, 100% कह रहा हूँ। बंगाल को तो पाकिस्तान बना देना चाहिए, क्योंकि बना दिया है ममता बानो ने, ममता बनर्जी को। मैं हिंदू तो नहीं मानता हूँ, मुसलमान मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो भी मैं वीडियो देखता हूँ उसमें वो अल्लाह का नाम लेती है, कहती अल्लाह का वास्ता, काफिर, यानी हिंदुओं को टारगेट करती है। तो मैं बस स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो ममता बनर्जी है ना, वो मुस्लिम की पूरी सपोर्टर है। इनको जय श्री राम का नाम लेने से दिक्कत, राम मंदिर बनने से दिक्कत, मतलब हिंदुओं का कुछ भी भला हो रहा ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अपोजिशन को होता है, खास करके कांग्रेस और उसकी जो गठबंधन की पार्टी है। हिंदू ने मंदिर बनाया अयोध्या में, नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर बनवाया, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत। रैली निकाले तो दिक्कत। तो मतलब हमारा देश है, हम कुछ भी करें, आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? आप रमज़ान मनाओ, आप मतलब जो मुसलमान मेरे भाई है, मैं कहता हूँ कि आप कोई भी त्यौहार कर रहे हो, फेस्टिवल करो, ईद मनाओ, रमज़ान मनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे रमज़ान से आपको क्या दिक्कत है? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इतना मनहूस नाम ले लिया रमज़ान भाई। हमारे रामनवमी से आपको क्या दिक्कत है? हमारे रामनवमी से आपको क्या दिक्कत है? आपके रमज़ान से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे भगवान श्री राम के रैली से आपको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है आपको? क्योंकि ये देश में सेक्युलर तभी आता है जब मुसलमान की बात आती है, हिंदुओं के लिए नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज़ आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, हिंदुओं को गाली दो, वायरल हो जाओ, व्यूज़ ले लो, क्योंकि हिंदुओं में तो एकता नहीं है। हिंदुओं को अपना रैली निकालने के लिए जाना पड़ता है कहाँ पे, कोर्ट में। हिंदू लड़कियाँ किससे शादी कर रही है, जाकर के मुस्लिम से कर रही है, लव जिहाद बढ़ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आती है तो क्या होगा, देश में जिहाद बढ़ेगा, लव जिहाद बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, समझ गए? कांग्रेस के आने से क्या होगा, मुसलमान आतंकवाद फैलाएंगे, नक्सलवाद बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देश सुरक्षित है अभी, नहीं तो बुरखा में होगा सब, जितना लड़की है, जितना औरत है। नरेंद्र मोदी को अगर हटाने की कोशिश की गई तो, और वैसे भी हटेगा नहीं, ये तो इनका सपना है, जो भी है, नरेंद्र मोदी अभी रहेंगे या बीजेपी अभी रहेगी, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म के लिए कुछ कर रही है, हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रही है। CAA कानून से लेकर के, 370 से लेकर के, 3 तलाक से लेकर के, महिला आरक्षण से लेकर के, घर घर नल जल योजना से लेकर के, घर प्रधानमंत्री आवास योजना तक का संकल्प पूरा किया है। और लोग कहते हैं मोदी ने क्या किया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना कुछ नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंटरनेशनल रिलेशन देख लेना, दूसरे देशों के साथ जो हमारा रिलेशन है आज, वो पहले से काफ़ी अच्छा है, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे रूस से हो, चाहे इसराइल से हो, सबसे हमारी दोस्ती बनाई है मोदी जी ने। और फिर कहते हो मोदी ने क्या किया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हिंदू धर्म को सुरक्षित रखना है, मंदिरों को सुरक्षित रखना है, नहीं तो फिर ये कांग्रेस पार्टी का बस चले तो मंदिर तोड़ दे। मैं बस यही कहता हूँ कि मंदिरों को सुरक्षित रखना है, हिंदू धर्म को सुरक्षित रखना है, तो मोदी जी को वोट करो। इसलिए नहीं कि वो एक राजनीतिक पार्टी है, इसीलिए ताकि हिंदू धर्म बचा रहे, क्योंकि आज हिंदू धर्म के लिए कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई नहीं होता है ना। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे, आप उसका सपोर्ट तो करो, आप ही सबसे पीछे हटते हो। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर धाम की एक ही मांग थी कि हिंदू राष्ट्र, लेकिन लोग उसका सपोर्ट तो करें, समर्थन तो करें। अब की बार 400 पार का मतलब क्या है, 400 पार करेंगे, संविधान बदलेंगे हम, क्यों नहीं बदलेंगे? संविधान बदलने का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब अनुसूचित जाति का हम शोषण करेंगे, ऐसा नहीं। संविधान बदलने का मतलब है, बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान में जिसको चेंज करना ज़रूरी है। एक बात बताओ, बिना आरक्षण के नौकरी मिलती है? जो भी है, जो आरक्षण पे जॉब लेते हैं, नौकरी लेते हैं, योग्यता पे हो सकता है क्या?
इसीलिए ऐसे इंजीनियर डॉक्टर आगे जा करके देश को बर्बाद करते हैं। तो ये संविधान थोड़ा चेंज होना ज़रूरी है। बाकी मैं यही कहूँगा कि अब की बार 400 पार सिर्फ मोदी जी को वोट करना और किसी नेता को वोट मत करना, सबके सब चोर है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।